चलिए, तो ये था पूरा मार्केट राउंडअप, लेकिन बाजार पर हावी बिकवाली और कई दूसरे मुद्दों को लेकर क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप टंडन से बात की हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप मैक्रो डेटा पॉइंट्स को वीव करते हैं अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी में, जिस तरह डॉलर इंडेक्स 105.5 जाके टॉप आउट हुई, क्रूड भी 135 जाके नीचे आया, वो ये सारी चीजें आप कैसे बिल्ड कर रहे हैं? आपको लग रहा है वर्स इज इन द प्राइस या अभी नहीं कह सकते? जैसे भी मैं एक और मॉर्निंग में किसी से बात कर रहा था तो मैंने बोला कि अगर हम डॉलर इंडेक्स, खाली डॉलर इंडेक्स को एक आइसोलेशन में नहीं, ओके, तो पॉइंट वही है कि अगर हम एक डेटा पॉइंट्स को देखते हैं तो एरर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कोई भी एक डेटा पॉइंट या कोई भी एक इंडेक्स होता है वो कुछ भी करंट से स्क्यूड होता है, तो वो स्क्यूनेस को हम कैसे अवॉइड करें? तो स्क्यूनेस अवॉइड करने के लिए हम लोग मल्टीपल करेंसी इंडेक्सेस को देखते हैं और हम लोगों ने काफी कुछ अपने भी सिंथेटिक इंडेक्सेस को बिल्ड किया है, तो हम लोग वो सब चीजों को मॉनिटर करते हैं। तो खाली डॉलर इंडेक्स में जरूर नया हाई बना, बट बाकी हमारे जो इंडेक्सेस जिसको हम फॉलो करते हैं उसमें वो सब नहीं हुआ, ओके। तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है। और कभी कभी क्या होता है कि एक हाई बनता है, चार्ट में लोग को एक्साइटमेंट होता है कि वो ब्रेकआउट हो गया है, मेरे लिए एक दिन का मूव या दो दिन तीन दिन का मूव उसके ऊपर भी आ जाता है, साइकोलॉजिकल होता है कि वो आता है, जैसे कल नया लो बना के गया मार्केट, ओके, कल या परसों में, ओके, तो एक नया लो बना तो काफी लोगों का जो पोजीशन होता है या स्टॉप लॉसेस होते हैं या कुछ लोगों ने ऑप्शंस में ट्रेड किया है तो कैपिटुलेशन अनफोल्ड हो जाता है, इसलिए वो साइकोलॉजिकली वो भाव आता ही आता है हमेशा, ओके। सिमिलरली हमको ये देखना है कि क्या ये 105 का लेवल है, क्या ये सस्टेन करता है एक हफ्ते पॉइंट ऑफ व्यू 5-7 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, क्या ये सस्टेन करता है जो दो दिन हुआ उसके बाद ट्रिप डाउन हुआ। मुझे क्या लगता है, प्योरली ऑन डेटा एनालिटिक्स की हम बात करें, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की हम जो थीसिस बिल्ड करते हैं या गिलाटी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, उसके अंदर हमको क्लैरिटी दिखता है कि हम लोग एक करेंसी मार्केट में एक्सट्रीम पे है। अगर हम रिस्क एपेटाइट की बात करते हैं, जैसे बिटकॉइन का क्लासिक रिस्क एपेटाइट इंडिकेटर है, हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं उसमें, ये तो एक पब्लिकली ट्रेड होता है तो आपको एक उससे रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है कि वहां पे भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल ऑफ हुआ, वहां पे भी अर्ली साइंस दिखते हैं कि ये सम सॉर्ट ऑफ एक्सॉशन हुआ है, तो वहां से भी मुझे एक पुलबैक रैली दिखती है बिटकॉइन में। अगर बिटकॉइन में पुलबैक रैली है तो एक ग्लोबल रिस्क एपेटाइट वापस आती है, उसका बैकग्राउंड तो तैयार हो रहा है और मैं बोलूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि मल्टीपल डेटा पॉइंट्स सब एंडोर्स कर रहे हैं कि रिफ्लेक्स रैली मार्केट के ऊपर है। और अगर हम देखें पेसिमिज्म, बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, बेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल, यू नो, ग्लोबल आप इन्वेस्ट फंड मैनेजर्स देखो, ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट देखो, सब लोग एक्सट्रीमली बेरिश हो गए। अभी सेप्टेम्बर अक्टूबर में जब बाजार का टॉप बना था इसकी हेडलाइन तो इतना पेसिमिज्म नहीं था, ओके, और अभी एक्स्ट्रॉर्डनरी। हम ये चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि उनका व्यू गलत है, उनका व्यू परफेक्ट है, डेटा पॉइंट्स कंस्ट्रक्टिव है, वो पूरी थीसिस को बिल्ड करते हैं, बट वो थीसिस भी प्ले आउट होने में टाइम है, ओके। एक राउंड का तो पैनिक ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें वही देखना है कि ये पैनिक को हमें कैपिटलाइज करना है कि हमें भी उस पैनिक के साथ फ्लो में जाना है, ओके। तो मुझे ये कॉन्ट्रा कॉल वाला बात नहीं है, डेटा ड्रिवन अप्रोच है। डेटा बोलता है कि यहाँ से एक रिफ्लेक्स रैली बनती है और कोई गारंटी नहीं है कि सब चीजें प्ले आउट हो हमारे हिसाब से भी, ओके। तो हम लोग क्या होते हैं, एक सिनेरियो को बिल्ड करते हैं कि अगर हम सारे डॉट कनेक्ट करें तो क्या डेटा पॉइंट्स प्रेडिक्ट कर रहा है मार्केट को। तो ये हमको आज की तारीख में अगर आप मेरे को पूछोगे तो ये डायरेक्शन दिखता है, बट उसके बाद भी हम सेफ्टी में खेलते हैं, तो हम लोग सेफ्टी कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसको, हम जब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करते हैं तो हम लोग पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन इस तरह से कोशिश करते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग कम हो जाए। तो रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए हम लोग सेक्टोरल कॉल्स थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं, हमारा स्टॉक कॉल भले ही गलत हो जाए, अगर मेरा लार्जर कॉल ठीक होता है सेक्टोरल का तो मेरे को उतना डैमेज नहीं होता, रादर मेरे को डाउनसाइड पे प्रोटेक्ट होता है। तो हम लोग सेक्टोरल कॉल्स पे बहुत बड़ा एम्फेसिस देते हैं क्योंकि वो हमारा एक मनी फ्लो एनालिसिस का हिस्सा है और वो मार्केट टाइमिंग में हमको बहुत हेल्प करता है। मार्केट टाइमिंग खाली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, ये एक फंक्शन है जो हमारे वैल्यूएशन, रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी एनालिटिक्स सब तीनों एनालिटिक्स फ्रेमवर्क में एक साइड स्क्यूड होते हैं, तो हमको बेटर टाइमिंग रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम लोग टाइमिंग की एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम लोग बेटर टाइमिंग कोशिश करते हैं। टाइमिंग को आप ट्रेडिंग से लिंक नहीं करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेक्टोरल कॉल लेने में हमको हेल्प करता है, क्योंकि अल्टीमेटली
मनी कहीं ना कहीं शिफ्ट होता है एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, या एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक्स में, और ये ग्लोबल बैकग्राउंड में हम देखेंगे, खाली इंडिया के आइसोलेशन में या एक रीजन के आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। अगर वो देखेंगे तो हम गलत एनालिसिस करेंगे। हम लोग इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एनालाइज करते हैं और ये सब मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को हम एक साथ कंबाइन करते हैं। जब उस तरह का कॉम्बिनेशन बिल्ड होता है तो हमको एक बेटर टाइमिंग मिलती है, वो हमको थोड़ा सा बुरे वक्त में सपोर्ट भी करती है, थोड़ा आउट परफॉर्मेंस में भी हेल्प करता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन, इसलिए हम लोग यूनिडायरेक्शनल रिसर्च नहीं करते, हम लोग मल्टी डायमेंशनल रिसर्च करते हैं और मल्टीपल फैक्टर को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं उनका किस पे क्या इम्पैक्ट आए। संदीप, ये कॉल तो मुझे आपकी बहुत पसंद आई कि ये ग्लोबल रिस्क ऑफ की संभावना बन रही है और बिटकॉइन लीड कर सकता है, वो एक रिस्क इंडिकेटर है, बाकी भी आएंगे। कमोडिटी सारे क्रैक हुए लेकिन क्रूड क्रैक नहीं हुआ, और क्रूड रिलेटेड हमारे कॉर्पोरेट इंडिया पे इतना इम्पैक्ट आता है, तो इसको आप कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? तो जैसे मैंने हम लोग का भी एक पर्सपेक्टिव है कि यस, क्रूड का टॉप नहीं बना है, नेचुरल गैस का एक टॉप जरूर बना है। ओके, अच्छा, नेचुरल गैस का टॉप बना है तो आपको यूरोप में जो भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी थोड़े सेटल होंगे, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इंडिया के लिए डेफिनेटली कभी भी ये कंसर्न है कि अपना क्रूड का एक टॉप नहीं बना है। मुझे अभी भी लगता है क्रूड में छोटा मोटा करेक्शन होके एक शार्प अपनी अभी भी पेंडिंग है। ओके, दो महीने में आए, अगले तीन महीने में आए, वो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल ईयर में प्ले आउट जरूर होगा। अगर इंडिया के एंगल से मैं देखें तो वही एक बड़ा लास्ट रिस्क बाकी है अभी भी जो प्ले आउट हो सकता है, जो बिकॉज वो हम लोग जैसे हमने लास्ट ईयर हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी स्टॉक में जिस तरह का यूफोरिया हुआ, उसी तरह का यूफोरिया कमोडिटीज में भी हुआ, बट क्रूड में वो एक्सटेंड हो रहा है। ओके, और अभी क्लासिक यूफोरिया नहीं हुआ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो जैसे ही अनफोल्ड होता है तो उसके बाद क्रूड में भी आपको एक शार्प रिएक्शन नीचे की तरफ मिलेगा। इसलिए हम लोगों को एक लार्जर पिक्चर भी अगर हम देखें तो हमको ये लगता है कि अगले तीन चार महीने में इन्फ्लेशन का भी नियर टर्म पर्सपेक्टिव, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में हम लोगों का ध्यान इन्फ्लेशन डेवलप मार्केट के लिए अभी भी बहुत तेज है, इंटरेस्ट रेट पे भी बहुत लॉन्ग टर्म भी बहुत बेसिक का है। ओके, बट अगर हम मिड टर्म और नियर टर्म की बात करें तो हमको लगता है कि कहीं अगस्त तक एक इन्फ्लेशन का पीक होना चाहिए, कमोडिटी प्राइस पीक हो जाएगा, तब तक क्रूड भी शायद पीक आउट होना चाहिए। हमें प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल में भी आता है कि वो भी एक पीक आउट होता है। तो और जिस तरह से ग्लोबल जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस थे, चाइना लॉकडाउन हुआ, वो सब चीजें एक एक करके इम्प्रूवमेंट है, वो सब एक एक चीजें ठीक हो रही है। अगर हम एक क्वार्टर का एंगल देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वार्टर के बाद शायद अगस्त एंड आते आते हम लोग शायद उतना इन्फ्लेशन की बात नहीं करेंगे जितना आज कर रहे हैं। ओके, और मेरा हमेशा एक मानना है कि ये जो हमारा मार्केट है ये बहुत इनविजिबल एनिमल है, ये सबसे स्मार्ट है। ओके, हम लोगों की एक स्मार्टनेस से भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट पीपल इस मार्केट को ऑपरेट करते हैं। अगर हम उसको पर्सपेक्टिव से देखें कि यहाँ पे अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आके कॉल लेता है कि अगस्त अगर हम लोग को ये डेटा पॉइंट दिखता है तो आई एम श्योर काफी और लोगों को ये डेटा पॉइंट समझ में आएगा। और किसी ने बड़े इन्वेस्टर ने आके एक बड़ा कॉल ले लिया कि अगले तीन महीने के अंदर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी या करेक्शन हो जाएगा, उस तरह का इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा जो अभी बिल्ड हुआ है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई को कॉल लेना है, और कोई बड़ा इन्वेस्टर, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इस तरह के कॉल लेगा जो बेनिफिट ले पाएगा, और फिर बाकी लोग उसको चेस करते हैं। तो मेरे को क्या लगता है कि एक अर्ली स्टेज का आप लोगों का डेटा पॉइंट्स है जिसको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सिचुएशन अगस्त तक अनफोल्ड होगा, तो हम लोग अपना पोर्टफोलियो उसी तरह से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट को कैपिटलाइज करें। मैक्रो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, थोड़ा अर्ली स्टेज पे उसको कैपिटलाइज करेंगे तो थोड़ा अल्फा जनरेट हो जाता है, नहीं तो फिर आप भी वही भेल चाड़ वाली लाइफ में रहेंगे, तो फिर आप लास्ट स्टेज पे हर चीज को पार्टिसिपेट करेंगे तो अल्फा जनरेट नहीं होगा।